प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड क्लाइमेट एक्शन समिट में दुनिया को बड़ा संदेश दिया है। क्या कुछ है पीएम मोदी के दौरे में खास, आइए जानते हैं। दुबई में भारतीय समुदाय के लोगों ने भी पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। दुबई के डिप्टी पीएम शेख सैफ बिन जायद अल नहयान ने पीएम मोदी की एयरपोर्ट पर आगवानी की। वहां भव्य स्वागत हुआ। पीएम मोदी के दुबई आने की खुशी में लोगों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के नारे भी लगाए। तो वहीं कुछ लोगों ने पीएम का वेलकम करते हुए अब की बार 400 पार के नारे लगाए। इसी से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। जिसमें पीएम लोगों से हाथ मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं और अब वर्ल्ड क्लाइमेट समिट यानी COP28 के लिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में पहुंचते ही पीएम मोदी UAE के राष्ट्रपति UN के जनरल सेक्रेटरी से मिले। इस सम्मेलन के लिए दुनिया भर के नेता दुबई में मौजूद हैं। इस सम्मेलन में दुनिया के 160 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। ये सभी दिग्गज जलवायु परिवर्तन और इससे जुड़ी समस्याओं और उसके समाधान पर चर्चा करेंगे। फ्रेंड, भारत UN फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज प्रोसेस के प्रति प्रतिबद्ध है, इसलिए आज मैं इस मंच से 2028 में COP 33 समिट को भारत में होस्ट करने का प्रस्ताव भी रखता हूं। मुझे आशा है कि आने वाले 12 दिनों में ग्लोबल स्टॉक टेक की समीक्षा से हमें सुरक्षित और उज्जवल भविष्य का रास्ता। इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने दुनिया को संदेश दिया है। पीएम मोदी दुबई में 21 घंटे रहेंगे। इस दौरान वो कई द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। बता दें कि समिट में अपने संबोधन में पीएम ने कहा कि कार्बन उत्सर्जन में 45% की कमी लाने का संकल्प लेना होगा। इसके साथ ही आगे उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमने 11 साल पहले ही हासिल कर लिया है। नॉन फॉसिल फ्यूल टारगेट्स को हम निर्धारित समय से 9 साल पहले ही प्राप्त कर चुके हैं और भारत ने इतने पर ही नहीं रुके हैं। हमारा लक्ष्य 2030 तक एमिशंस इंटेंसिफाई को 45% घटाना है। हमने तय किया है कि नॉन फॉसिल फ्यूल का शेयर हम बढ़ाकर 50% करेंगे और हम 2070 तक नेट जीरो के लक्ष्य की तरफ भी बढ़ते रहेंगे।